वालेकुम एंड हेलो एवरीवन क्या हाल है आप सबके उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ खुशबाश हूँ वेलकम बैक टू माय चैनल हज्स लाइफ इन द यूके आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी ईद का ये व्लॉग और बहुत बहुत ईद मुबारक हो आप लोगों को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का ये व्लॉग ईद मुबारक ईद मुबारक गोइंग टू स्कूल शमिया है वेरी गुड सुबह का टाइम था मैं मिशाल को स्कूल छोड़कर आ गई थी जी आपने सही सुना यहाँ पर स्कूलों में छुट्टी नहीं थी जैसे जाहिर सी बात है कि ये इंग्लिश कंट्री है तो बच्चों की स्कूल थी तो मैं बस मिशाल को छोड़ करके आ गई थी घर पे और बस थोड़ा सा प्रिपरेशन कर रही थी कि बस क्योंकि हस्बैंड भी चले गए थे नमाज के लिए और मैंने अपना शिरकुरमा वगैरह बनाना शुरू किया तो फिर मैंने एक पैन ले लिया था और फिर उसके अंदर मैंने बटर डाला क्योंकि ना मैं घी इसलिए नहीं डाल रही थी क्योंकि हस्बैंड कहते हैं कि वो उसमें घी की जो है ना वो स्मेल आ रही होती है फिर उसमें मैंने कुटा हुआ थोड़ा सा इलायची डाली और सारे नट्स जो है वो उसको मैंने वहाँ पर फ्राई कर लिया था और फिर उसके बाद में मैंने उसमें सेवई डाली सेवई पहले से ही भुनी हुई थी बस तो थोड़ा सा डाल के मैंने उसको स्टर कर लिया और फिर उसके बाद में गरम दूध डाल दिया था वो भी बॉईल किया हुआ बॉयल किया हुआ दूध अगर आप डालो ना तो वो बहुत जल्दी बन जाती है मैंने कोई कोई वीडियोज़ में देखा हुआ था वो कच्चा दूध डाल देते हैं तो मैंने फिर है ना ये जल्दी का काम था मेरा तो पता ही है आप लोगों को फास्ट फास्ट ईद के दिन कितना काम होता है और फिर दो से ढाई चम्मच के जितना जो है मैंने कंडेंस मिल्क डाला और शक्कर जो है मैंने आठ चम्मच ले ली थी उसके बाद में उस पकने रख दिया था मैंने शिरकुरमा और फिर चिकन के अंदर मैंने दही डाली तीन से चार चम्मच और फिर उसके बाद में दो चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट और ये बिरयानी मसाला था शान का लजीजा का था तो ये मैंने उसमें ऐड कर दिया और उसमें नमक डाल के और फिर उसके बाद में जो है उसको खूब अच्छे से ना नींबू निचोड़ कर और उसके बाद में उसको खूब अच्छे से मिक्स कर लिया मिक्स करने के लिए तो है तो ज़ाहिर सी बात है काफ़ी टाइम लगता है तो उसको खूब अच्छे से मिक्स करना होता है ताकि वो सारा जो मसाला है वो उसमें रस रज, रच बस जाए और इसको ढ़क करके फिर साइड में रख दिया यहाँ मैंने अपना ब्यूटी पार्लर खोला हुआ था साइड में फ़ेस पैक लगा रही थी उसके बाद जो है फिर मैंने शिरखरमा जो है वो मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया था और ये देखेंगे कितना मज़े से मज़ों वाला बिल्कुल शिरकुरमा जो है वो पक के तैयार हो गया बहुत ही मज़े का बना हुआ था ये और बस ऐसा लगता है शिरकुरमे का तो बस जान है मीठा तो फिर बस जान ही जान है ना उसके बाद से फिर मैंने फिर एक पैन में तेल गरम कर लिया और फिर उसके बाद में जो है मैंने उसमें फ्राई अनियंस जो है वो मैंने करना था तो ये हस्बैंड ने मुझे कटिंग करके दी थी और क्योंकि होता है ना कि Uh, मतलब एक सी प्याज हो तो ये बरिश्ते की प्याज जो है ये जैसे हम कहते हैं कि बिरयानी अधूरी है ब्रिश्ते के बगैर तो बस वो वही स्टार्ट में ना जल्दी जल्दी जब तक हस्बैंड नमाज़ के लिए चले गए थे तो मैंने सोचा जल्दी उनके आने से पहले खाना शाना सब बना करके रख लूँ ये देखिए मेरा ब्रिश्ता तैयार हो गया और फिर जो है वो यहाँ पर मैंने वही तेल जो है ये मैंने बड़े से कुकर में डाल करके और ये तकरीबन जो तेल था वो तीन से चार बड़े चम्मच बल्कि छः चम्मच डाला था मैंने और फिर उसको जो है तब तक ये ऑयल गर्म हो रहा था फिर उसके बाद में मैंने इसको दो चम्मच के जितना मैंने इसमें ज़ीरा डाला था और जैसे ही ज़ीरा क्रैकल हो गया था फिर उसके बाद में जो है फिर मैंने उसमें प्याज जो है वो काट करके डाल दी थी यहाँ प्याज जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है लाल होने के लिए मतलब एक बिरिश्ता बनने के लिए भी या कोई भी करने के लिए बहुत टाइम लगाती है और फिर साइड बाय साइड मैंने कहा दही पड़े भी बना लूँ तो मैंने माश की डाल के पकौड़े बनाने लगी थी उसमें मैंने दो हरी मिर्चें एक अदरक का टुकड़ा और जीरा नमक डाल के मैंने उसको पीस लिया हुआ था और उधर मैं उसको तलने लगी थी और यहाँ पर मस्त थोड़ी सी जैसे प्याज रेडिश ब्राउन हो गई तो मैंने इसमें जो है जो मैंने मैरिनेट करके चिकन रखी हुई थी ये मैंने उसमें शामिल कर दिया मल्टी टास्किंग का ये एक फ़ायदा होता है कि आपका काम जो है वो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है लेकिन थोड़ा अगर आप माइंडफुली काम करें तो वो तभी ही बेस्ट है अदरवाइज़ काम हर जगह जो है ना वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है अब मुझे ये था कि जल्दी जल्दी मुझे करना है क्योंकि हस्बैंड के आने से पहले और बच्चों के आने से पहले मैंने सारा कुछ जो है वो रेडी करके रखना है मैंने फिर इसमें तीन से चार जो है वो बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और आधा चम्मच जो है कश्मीरी लाल मिर्च मैंने उसमें डाल दिया था ताकि थोड़ा सा कलर अच्छा आए यहाँ पे मेरा जो है दही बड़ा वो भी रेडी हो गया था चलो सलाम करो हाँ और बोलो। हाँ ईद मुबारक बोलो ओके ईद मुबारक बोलो इधर देखो रमीन से ईद मुबारक ऐसे करके बोलो ऐसे कर नहीं बोलो अच्छे से ईद मुबारक एद भी भी <laughs> <laughs> मैं फिर रमीन को स्कूल छोड़कर आके दोबारा से फिर किचन में लग गई थी और मसाला मेरा भुन गया हुआ था हल्की आंच पे मैं करके गई थी तो फिर उसके बाद में मैंने चावल जो है वो सेट करना था ये मैं चावल की परत फिर जो है जल्दी जल्दी लगाने लगी अच्छा बिरयानी की मज़े की बात ये है कि मुझे बिरयानी पहले बनाना नहीं आती थी मुझे हसबैंड ने सिखाया ये मैं मतलब मसाला वगैरह बना लेती थी लेकिन मुझे परत लगाने नहीं आती थी लेकिन फिर हस्बैंड ने मुझे ये सिखाया उसके ऊपर मैंने फिर ब्रिश्तर की प्याज लगा दी और फिर जो है टमाटर मैंने सेट कर दिया उसके ऊपर अच्छा मुझे ना जैसे अगर कभी हरा धनिया या पुदीना जैसे कभी ना हो ना तो मुझे ये टमाटर का सेटिंग बहुत अच्छी लगती है और फिर उसके बाद दोबारा से मैंने थोड़ा सा हरी मिर्चें डाल दी और इसको मैंने फिर जो है वो दम पे लगा दिया बिरयानी को जब तक दम ना लगे जब तक वो दम की बिरयानी नहीं कहलाती अच्छा हमारे यहाँ कभी कभी इस तरीके से भी होता है कि जैसे मसाले को ना जैसे मिलाते नहीं उसकी परत जो है परत ही रखे रहते हैं ये देखें जो ये बिरयानी जो है वो रेडी हो गई थी यकीन माने इतने मज़े की बनी थी ना बिरयानी आज तक है ना अभी तक जैसे उसका जो टेस्ट है वो आ, मतलब है हम लोगों के टेस्ट बर्ड में इतनी मज़े की लगी थी बनी भी थी और सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी एक ये होता है ना कि रमज़ान में और जैसे ईद के दिन जो है जो हम कुछ भी खाना पकाएं उसका टेस्ट जो होता है वो अलग ही होता है मतलब जो नॉर्मल दिनों में हमें नहीं मिलेगा देखें कितने मज़े की बिरयानी और दही बड़े शिरकुरमा इतना मज़े का था सारा कुछ कि बस मैं क्या बताऊँ और जब अपनों का साथ हो और लजीज खाना हो तो बस क्या ही बात है आप लोग सब लोगों ने कैसी ईद बनाई मुझे ज़रूर बताइए क्या 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 पकाया था मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अच्छा ये मेरा ड्रेस है जो मेरी अम्मी ने मुझे स्टिच करके भेजा हुआ था इंडिया से ये देखें और उन्होंने और भी ड्रेसेस भेजे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी तो इस वजह से मैंने उसको कट शॉर्ट कट कर दिया है और ये मेरा ड्रेस था ये लाइक नेवी ब्लू एंड पर्पल मिक्स कलर है और ये ब्रासो का है ब्रासो का कमीज है और कॉटन की शलवार कॉटन का दुपट्टा तो यही था बस आज का मेरा ये ईद का ये व्लॉग तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अपना भी ख्याल रखें अपने प्यारों का भी ख्याल रखें और मेरे चैनल का भी मिलते हैं अगले व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ टेक केयर गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग